अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं चेरी का जूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चेरी का जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप चेरियाँ ली हैं। चेरी की डंडियाँ हमने निकाल ली थी, अब हम इन्हें ब्लेंडर में डालते हैं और साथ ही डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर और 2 कप पानी। अब इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। चेरी का जूस हमारा तैयार है, अब हम इसे छानते हैं। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। मौसमी फल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं। तो अपने घर वालों को उनका जूस बना के दीजिए, खुद भी पीजिए, उनको भी पिलाइए और इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होते हैं। चेरी का जूस हमारा तैयार है, हम उसे सर्व करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप देगा, मेरा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।